Hello dear students, I hope you all are enjoying your life. Today I'm uploading the syllabus which is updated by CBSE for class 9th and 10th. This is the updated syllabus, new type of syllabus. Please have a look of this. This year CBSE has divided the syllabus of class 9th and 10th in two terms, that is term 1 and term 2. ठीक है, लास्ट ईयर तक तो सारा सिलेबस आपके फाइनल एग्ज़ाम में आता था, पर इस बार नहीं आएगा. इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू टर्म 1 एंड टर्म 2. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आप इसको जूम करके देख लेना, ठीक है, अगर हो सकता है जूम, आई डोंट नो होता कि नहीं. ठीक है, इसमें है रीडिंग है जिसमें दो पैसेजेस हैं, डिस्कर्सिव पैसेज है. मैं ही कर देती हूँ, रुको ज़रा. ठीक है, डिस्कर्सिव पैसेज है 400 to 450 वर्ड्स, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है एक. ठीक है, इसमें कोई आपको कोई पिक्चर दे देंगे, कोई आपको ग्राफ दे देंगे, कोई चार्ट दे देंगे, उसके बेस पे आपने सेकंड जो पैसेज है उसको करना होगा, विच इज़ फैक्चुअल पैसेज. डिस्कर्सिव होगा जिसमें किसी चीज़ के बारे में या कोई चीज़ जो है उसके बारे में बताया होगा, नॉर्मल जो पैसेज होता है. लेकिन जो सेकंड केस बेस वाला, ये थोड़ा सा न्यू है आपके लिए. इसमें कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई ग्राफ, कोई ना कोई इस तरह का चार्ट आ जाएगा. उसके बाद राइटिंग में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको पर्सन की आएगी. ये मैं आपको सेप्टेम्बर एग्ज़ाम टर्म 1 का बता रही हूँ. ठीक है, ये देखो, एक मिनट, दिस इज़ ऑफ टर्म 1. फाइन, उसमें सिर्फ पर्सन की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आनी है और शॉर्ट स्टोरी आनी है, जिसके लिए आपको यहाँ बिगनिंग या आउटलाइन या कोई हिंट्स वगैरह दिए होंगे. देन वी हैव ग्रामर. ग्रामर में इन्होंने टॉपिक तो ज़रूर मेंशन किए हैं, लेकिन ग्रामर हमेशा इंटीग्रेटेड आती है, यानी कि एडिटिंग, ऑमिशन, गैप फिलिंग, क्लोज, रीअरेंजमेंट, ये सब कुछ ही आता होता है, और उसमें यही सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं. उसके बाद लिटरेचर सेक्शन में मोमेंट्स में से वी हैव द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, एंड बीहाइव में से वी हैव द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रू ब्यूटीफुल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, माई चाइल्डहुड. पोम्स में से वी हैव द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ एंड लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड. ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हम टर्म 2 पे. टर्म 2 में देख लेते हैं, सेम ही चीज़ है. टर्म 2 में भी इसी तरह से दो पैराज हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हमारे पास डायरी एंट्री है और अगेन स्टोरी राइटिंग है. फिर उसके बाद सेम इंटीग्रेटेड ग्रामर है, और फिर लिटरेचर के जो बाकी के बचे हुए सारे चैप्टर्स हैं वो आ जाएंगे मोमेंट्स, बी हाइव और पोम में से. ठीक है, अब रीडिंग देख लेते हैं. ईच टर्म में आपका रीडिंग 10 मार्क्स, राइटिंग एंड ग्रामर 10, लिटरेचर 20 एंड टोटल 40 एंड असेसमेंट 10, यानी कि आपका पेपर सिर्फ 50 मार्क्स का होना है दोनों टर्म्स में. ठीक है, और मैं बता दूं कि जो आपका पेपर होना है वो सिर्फ MCQ फॉर्म होना है. देयर विल बी नो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्पेशली इन क्लास 9th का तो देयर इज़ नो सब्जेक्टिव क्वेश्चन. ठीक है, CBSE की तरफ से अभी तक कोई सैम्पल पेपर स्कूल्स में नहीं पहुंचा है. जैसे ही पहुंचेगा, मुझे कोई सैम्पल पेपर मिलेगा, मैंने फुल मार्क्स कंपनी का भी एक सैम्पल पेपर कल ही देखा है, जैसे ही मेरे हाथ लगेगा मुझे मिल जाएगा. मैं साथ की साथ ही अपने चैनल पर 9th और 10th का एक एक क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगी, ताकि आपकी हेल्प हो जाए. ठीक है, ईच टर्म सिर्फ 50 मार्क्स है, सिर्फ 50 मार्क्स. ठीक है, अब देख लेते हैं 10th का जो सिलेबस है. फाइन, 10th का सिलेबस आपके सामने, आप देख सकते हो, इन अ सिमिलर वे लिखा हुआ है. आप इसको देख लो, इसको पढ़ लो कि इसमें क्या क्या है. बहुत ही अच्छे से इट्स अ लाउड एंड क्लियर वन दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर टर्म 2. ओके, और इसका जो डॉक्यूमेंट है, ऑब्वियसली वो मैं YouTube पे तो नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि YouTube में डॉक्यूमेंट भेजने का कोई प्रोविज़न नहीं है. तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें मैं इसका, इस पूरे का PDF जो है वो सिलेबस का भेज दूँगी. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. पेपर MCQ फॉर्म होना है, लेकिन ये मत सोचना कि पेपर में MCQ बड़े ईजी आएंगे. मैंने आज ही अपनी क्लास में एक MCQ फॉर्म का जो नए पैटर्न है उसके उसको ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट लिया है. ठीक है, दो वो मेरे फ्रेंड हैं, एक उन्होंने प्लान किया था टेस्ट, तो आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू दैट हाउ शी हैज़ फ्रेम द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस दे आर नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल कि आपको लगे अरे MCQ है वो तो बहुत ही सिंपल है, फटाफट से 1, 2, 3 टिक लगाओ, चलो नंबर आ गए. ऐसा नहीं है. MCQ आपको थोड़े हाई लेवल के होंगे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होते हैं. ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें, हो सकते हैं उसमें स्टैटिस्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें आपकी रियल लाइफ से चैप्टर को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फाइन,
तो जैसे ही मेरे पास कोई सैम्पल पेपर आएगा तो मैं अपलोड करूँगी ताकि आपको एक अच्छा आइडिया उसका हो जाए। फाइन, जो ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।